हेलो ऑल दिस इज़ कुमार चंदन वेलकम टू स्टॉक फिक्सर्स आज एक ऐसे स्टॉक को एनालाइज करेंगे ओवाई और चेंज इन वाई के बेसिस पे और साथ ही साथ एन एस सी के ऊपर इसके कारोबार और डिलीवरी परसेंटेज को भी देखने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पे क्या चल रहा है और साथ ही साथ हम लोग साइकिल को भी एनालाइज करने की कोशिश करेंगे और फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि वहाँ क्या चल रहा है और ये स्टॉक ऐसा है जो स्टॉक ऑफ द वीक हो सकता है इसमें इतना पोटेंशियल दिख रहा है कि यह स्टॉक स्टॉक ऑफ द वीक हो सकता है तो इस स्टॉक को हम लोग एनालाइज करेंगे वाई के बेसिस पे चेंज इन वाई के बेसिस पे और साथ ही साथ ट्रेंड साइकिल के बेसिस पे और देखेंगे कि यह स्टॉक वो आपका स्टॉक ऑफ द वीक क्यों बन सकता है तो सबसे पहले हम लोग इस स्टॉक का डिलीवरी परसेंटेज देखेंगे आपके एन के ऊपर और देखेंगे यह स्टॉक आपका क्लोजिंग दिया एक पे और हाई इसने 126.5 बनाया था और लो करीब आपका 116 के आसपास इसने बनाया था उसके बाद क्लोजिंग 125 के आसपास का हुआ है और आठ परसेंट की तेज़ी देखने को मिली है अगर आप यहाँ देखेंगे तो करीब आपका एक करोड़ बावन लाख के आसपास यहाँ पे ट्रेडिंग हुआ है जिसमें से करीब ट्रेडिंग वॉल्यूम हुआ है और जिसमें करीब पचपन परसेंट के आसपास का छप्पन लाख के आसपास का डिलीवरी के लिए क्वान्टिटी लिए गए हैं और डिलीवरी की बात करेंगे तो करीब थर्टी सिक्स लाख के आसपास आपको डिलीवरी यहाँ देखने को मिल रही है इस पर अगर आप देखेंगे तो इस पर डिलीवरी करीब 36 परसेंट की डिलीवरी हमें इस जगह पे देखने को मिल रही है तो अगर ये देखेंगे डिलीवरी के बेसिस पे तो काफ़ी अच्छा है और ये स्टॉक है आपका अपोलो टायर्स अपोलो टायर्स है यह स्टॉक इसको हम लोग एनालाइज करेंगे आपके ओ के बेसिस पर और देखने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या चल रहा है और आगे क्या चल सकता है तो देखिए सबसे सब पहले तो चेक करेंगे इसका क्लोजिंग प्राइस जिसमें हम बात की एक के आसपास का क्लोजिंग चौदह सेप्टेम्बर की आ, क्लोजिंग और एक्सपायरी ट्वेंटी सितंबर की एक्सपायरी है तो ये आपका जो स्टॉक है अगर इसको हम लोग सपोर्ट रेसिस्टेंस फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि एक सौ बीस काफ़ी अच्छा सपोर्ट डेवलप हुआ है यहाँ पे अपोलो टायर्स के ऊपर एक सौ बीस काफ़ी अच्छा सपोर्ट डेवलप हुआ है तो करीब यहाँ पे पाँच लाख पंद्रह हजार अपो टाइटर्स अवेलेबल हैं और यहाँ पे एक अच्छा खासा उससे भी स्ट्रांग सपोर्ट हमें 110 के आसपास देखने को मिल रहा है और ये भी काफ़ी अच्छा 120 वाला सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट है तो इस जगह हम देखेंगे कि इसके इस लेवल पे काफ़ी अच्छा सपोर्ट देखने को मिला है वन ट्वेंटी के ऊपर काफ़ी अच्छा सपोर्ट देखने को मिल रहा है और रेसिस्टेंस की बात करेंगे तो हमें हाईएस्ट रेसिस्टेंस आपको देखने को मिल रहा है वो एक सौ पचास वन फिफ्टी के ऊपर हमें हाइएस्ट रेसिस्टेंस देखने को मिल रहा है अपोलो टायर्स के ऊपर तो अगर अगर आप ध्यान से इस यहाँ पे देखेंगे तो करीब इस जगह हम 150 पे हाईएस्ट कॉल खड़े हैं जहाँ पे हाईएस्ट रेसिस्टेंस मिलेगा और यहाँ इसके पहले जो हमें देखने को मिलेगा एक पे 140 पे एक पे सेकंड पर यहाँ सेकेंड हाइएस्ट कॉल खड़े हैं लेकिन एक चीज़ और आपको देखना चाहिए कि यहाँ पे अनबाइंडिंग देखने को मिला है और यहाँ पे बाइंग होते हुए दिखी है हमें कॉल बाइंग होते हुए दिखी है यहाँ पे आपका पुत राइटिंग होते हुए हुई दिखी की है तो ओवरऑल यह स्टॉक बुलिस दिख रहा है और 120 को सस्टेन करता है अगर 120 को सस्टेन करता है तो हमें 150 के लेवल बहुत जल्द देखने को मिल सकता है और यह स्टॉक आपका स्टॉक ऑफ आप द वीक हो सकता है तो इस पर आप ध्यान दीजिए और इस आपको वॉच लिस्ट में इसको रखना चाहिए अगर इसका हम लोग ट्रेन साइकिल देखेंगे तो ट्रेन साइकिल पे आपको पिछले तीन दिन से देखिए, तो लॉन्ग और शॉर्ट कवर देखने को मिला है तो ऐसा हो सकता है ये शॉर्ट कवर और जारी रहे उसके बाद लॉन्ग साइकिल अगर हमें देखने को मिले तो दो चार दिन के अंदर ही मतलब इस वीक के अंदर ही यह स्टॉक एक के लेवल आपको दिखा सकता है तो ये आ, आपको ध्यान रखना है और इस स्टॉक का जो पाइवट स्ट्राइक है वो पाइवट स्ट्राइक है 120 आपका पाइवट स्ट्राइक है इसके ऊपर रहा तो 130, 135, 140, एक और 150 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे तो ये ओवरऑल एनालिसिस था आपके उपलब्ध टायर्स का वाई के, और चेंज इन वाई के बेसिस पे होप आप लोगों को पसंद आया हो पसंद आए तो शेयर करिएगा लाइक करिएगा थैंक यू वेरी मच फॉर